जय नारायण। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट सेकंड मींस, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट वन में क्या पढ़ा था, का पार्ट वन में हमने पढ़ा था मेजरमेंट सिस्टम, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस चीज को पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, डिफिनीशन ऑफ एंगल। तो डिफिनीशन ऑफ एंगल हमने आपको बता दिया, ये सब कुछ आपके पार्ट वन में है बेटा, ध्यान रखना। डिफिनीशन ऑफ एंगल, तो डिफिनीशन ऑफ एंगल क्या बोला था वहां पे, हमने बोला था रोटेशन ऑफ इनिशियल टर्मिनल, डिफिनीशन ऑफ इनिशियल टर्मिनल टू फाइनल, रोटेशन ऑफ इनिशियल टर्मिनल टू फाइनल टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड एंगल। और एंगल को हम लोगों ने कैसे लिखा था बेटा, थीटा से लिखा था, और ये आप क्लास 9 और 10 में करके आए। यहाँ पे मैंने पार्ट वन में अच्छे से आपको बता दिया है। अब बेटा हम लोग को क्या करना है बेसिकली, उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, डिग्री किया था, डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। तो मींस हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा था, क्या सीखा था बेटा, कन्वर्जन मींस कन्वर्जन ऑफ एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, मतलब डिग्री से रेडियन में कैसे बनाएंगे, ये चीजें हम लोगों ने देखा था। तो आप सबसे पहला काम बेटा यही करोगे, यदि आपने नहीं देखा है पार्ट वन तो पार्ट वन सबसे पहले देखो, देन ये हम करेंगे, यही हमारा सिलेबस है, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, और बाकी का जो पार्ट वन है वो तो आपका रिवीजन है, क्लियर, जो 9-10 में आपको दिया। अब डिग्री टू रेडियन में करने के लिए हमने बोला था यदि बेटा 1 degree इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड 1 radian क्या होता है बेटा, क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। अब सपोज यदि मैंने कोई क्वेश्चन आपको दिया इस तरीके का, ध्यान रखना बेटा उसको, यदि मैंने बोला बेटा 30 degree कितने रेडियन के इक्वल होगा बेटा, तो 30 degree कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो क्या करोगे 1 degree से मल्टीप्लाई करोगे, 1 degree का मतलब रेडियन में करना है बेटा, पाई अपॉन 180, मींस इसको ऐसे लिखोगे आप 30 into 1 degree, एंड 1 degree का मतलब रेडियन कितना होगा बेटा, पाई अपॉन 180, मींस 30 into पाई अपॉन 180, इसको क्या हो जाएगा बेटा पाई अपॉन 6, मींस 30 degree इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 6 रेडियन, ये होगा बेटा। तो इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, और ये हम लोगों ने किया था लास्ट करते, और आज हम लोगों ने बोला भी था क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन का मतलब भी हमने आपको बताया था। आप लोगों ने क्लास 10th में क्या क्या पढ़ा है पहले ध्यान देखना, पी रेशियो पढ़ा था आपने, तो बेटा यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टी रेशियो में क्या क्या पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर क्या पढ़ा था, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये आपने पढ़ा था। ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, अब 11th में क्या पढ़ेंगे बेटा, बस फंक्शन पढ़ेंगे, और फंक्शन की डिफिनेशन देखने के लिए, फंक्शन होते क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, उसके लिए आपको YouTube लेक्चर फंक्शन पार्ट वन देखना चाहिए, फंक्शन पार्ट वन एंड पार्ट टू देखना चाहिए। जितने भी लोग, ये उनके लिए है जिन लोगों ने क्लासेस मिस कर दी, ये उनके लिए है जिन लोगों ने क्लासेस मिस कर दी, गूगल मीट पे भी आपने क्लासेस की है तो जितना मैं बोल रहा हूँ सारी चीज आपको समझ आ गई, नहीं किया है तो लेक्चर से आके देखो। अब
हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, फंक्शन। हमने आपको बताया था इन द लास्ट लेक्चर y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज अ फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड थीटा इज रिप्लेस्ड बाय द x, थीटा इज रिप्लेस्ड बाय द x sin x। अब बोलोगे सर थीटा को तो रिप्लेस कर दिया, तो थीटा मतलब किस में था बेटा, डिग्री में था। अब यहां पे x किस में होगा बेटा, रेडियन में होगा। x किस में होगा बेटा, रेडियन में होगा, नॉट अ डिग्री। x हमेशा रेडियन में ही रहेगा। इसी तरह से कितने हो जाएंगे बेटा, cos x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, cot x हो जाएगा, sec x हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, कितने हो गए बेटा, 6। अब आपने पढ़ा है क्लास टेन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, बट वहां पे आपने रेशियो, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, रेशियो ये भी है बट ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स जब होंगे तब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन में जानते हो एक इनपुट होता है एक्स और वाई क्या होता है बेटा, आउटपुट होता है। x इनपुट है, x इज अ इनपुट एंड y इज अ आउटपुट, मींस साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक, x इज अ इनपुट, अब आप इनपुट दोगे आउटपुट आएगा, दिस इज अ इंडिपेंडेंट, दिस इज अ इंडिपेंडेंट एंड दिस इज अ डिपेंडेंट। आप जानते हो आउटपुट हमेशा डिपेंडेंट होता है, ये सारी चीज हमें डिस्कस करनी थी बेटा। अब बोलोगे सर कि हम लोग रेडियन में करेंगे, तो अब हम साइन 30 नहीं बोलेंगे बेटा, अब हम साइन 30 का यूज नहीं करेंगे, अब हम किसका यूज करेंगे, साइन 30 डिग्री नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको ऐसे बोलेंगे साइन पाई बाय 6, बट बोथ आर इक्वल, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, समझ आया, ये काम करना बेटा। तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, हमें अब सारा काम रेडियन में करना है, किसमें करना है, रेडियन में करना है। और डिग्री में भी कोई बच्चा करता है, नो डाउट, कोई गलती नहीं है, यदि आप डिग्री में करते हो कोई गलती नहीं है, बट आप इतना अपने दिमाग में बैठा लो, फंक्शन पढ़ रहे हैं तो रेडियन में करें तो बेहतर होगा, क्यों, रेडियन हमारा स्टैंडर्ड है फॉर द फंक्शन, क्लियर, नॉट अ डिग्री। तो डिग्री में कोई करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिखे हुए सारे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ते हैं बेटा, How to find different angle of a trigonometric ratio? How to find the value of trigonometric function at different angle? Means how to find the value of trigonometric function at different angle, ये हमें सीखना है। हम इसे कैसे सीखेंगे, by the help of this। इतना ध्यान रखना, आज जो बताने जा रहा हूं ये आपके लिए आज भी नहीं, जब तक आप पढ़ाई करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, कोई ना कोई तैयारी करोगे, या आगे चलते कुछ कहीं ना कहीं अच्छी जगह रिसर्च करोगे, ये तब तक यूज करोगे, इसका अपना इंपॉर्टेंस रहेगा, इसको कभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको, तो ये काम आपको करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यदि आप इसे नहीं करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए अच्छे से समझो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लें, हम लोगों ने एंगल के बारे में डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे या पिछले पार्ट वन में, एंगल इज अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंगल इज अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब फ्रॉम किससे लेंगे यहां पे, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब बोलोगे तो बेटा यहां पे एक्स एक्सिस तो है नहीं, एक्स एक्सिस का मतलब दिस लाइन जीरो डिग्री, एक्स एक्सिस बोलो या जीरो डिग्री लाइन हो सकते हो, एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब ये रोटेशन,
ये हमेशा क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा, यदि आप इधर रोटेट करोगे तो क्या होगा बेटा निगेटिव होगा। बिल्कुल मैडम, ये हमेशा रहेगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ये हमेशा रहेगा, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मीन्स यदि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो थीटा क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, और इधर क्या होगा थीटा क्या होगा निगेटिव। तो हमें क्या यूज करना है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। अब बिल्कुल ध्यान रहे इन सब कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना। अब कुछ रूल्स हैं जिनको अपने दिमाग में बैठा लो अभी, फिर बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैंने अभी छह रेशियो लिखे थे, कौन कौन से रेशियो लिखे थे बेटा, कौन कौन से रेशियो लिखे थे मैं आप फिर से लिख दे रहा हूं, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स एंड कॉट एक्स। ये दीज आर सिक्स सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये छह होते हैं। अब ये छह इसमें ये क्या बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो दिमाग में बैठाते चलो, कॉपी में नोट करते चलो, जो भी कॉपी में नोट नहीं कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90, 0 to 90 मतलब 0 degree से 90 degree के बीच में, 0 से 90 degree के बीच में, इन सब की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, इन सब की वैल्यू क्या होगी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। मतलब आपको यह समझना है, क्या समझना है, यदि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो सारे रेशियो ये सारे क्या होंगे बेटा पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे पॉजिटिव। मतलब यदि 0 से 90 के बीच कुछ भी लिखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी इसका हम यूज बाद में करेंगे, पहले आप 90 देखो, पहले आप 90 पे फोकस करो। तो 0 से 90 दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, आफ्टर दैट सेकेंड क्वाड्रेंट बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझो इसको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स आर पॉजिटिव, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, रट लेना है, और ये तब ज्यादा आसान हो जाएगा जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। अभी क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, बस इतना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट, सभी लोग क्वाड्रेंट तो जानते ही होंगे, सब लोगों ने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एक्स एंड कॉट एक्स पॉजिटिव, मतलब ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव बेटा, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा कॉस एक्स सेक एक्स पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा टैन एक्स कॉट एक्स पॉजिटिव होगा। अब तो फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, पहले क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90 ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव, सेकेंड में बाकी सब निगेटिव केवल साइन और कॉसेक छोड़ के, थर्ड में टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव। तो ये दिमाग में आ गया आपके, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फीड करो, इस पिक्चर को फीड करो, इस पिक्चर को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, मिटाने के बाद फिर दोबारा नहीं आएगा, ये समझ में आया इतना।
चलो अब आगे बढ़ते हैं लोग। बेटा देखो मैथमेटिक्स है तो बहुत आसान, लेकिन यदि समझ में आ गई का, यदि आप समझोगे नहीं सिर्फ रटोगे तो मैथमेटिक्स कभी आप नहीं करने, क्योंकि मैथमेटिक्स लोग करना सीखते हैं। अब करना सीखने का मतलब क्या होता है बेटा, करना सीखने का मतलब क्या होता है समझते नहीं आप, आपके प्रैक्टिस है तो करना सीखने से मैथमेटिक्स आपके डिफिकल्ट होती जाएगी। ओके चले आगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे दो एक्सेस दिखा है, इसे बोलते हैं जीरो एंड 180 लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, जीरो डिग्री एंड 180 लाइन। इसे बोलते हैं 90 डिग्री है 270 लाइन, 90 डिग्री है 270 लाइन, 90 डिग्री है 270 लाइन। इसे बोलते हैं जीरो डिग्री है 180 लाइन। अब देखो पहले हम इस एक्सेस की बात करते हैं, इस एक्सेस की बात करते हैं। तो जीरो डिग्री और 180 डिग्री रेशियो चेंज नहीं होते, रेशियो चेंज नहीं होते, जीरो इस लाइन पे कभी भी रेशियो चेंज नहीं होगा। मतलब यदि साइन एक्स है तो साइन एक्स रहेगा, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स रहेगा, टैन एक्स है तो टैन एक्स रहेगा, कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स रहेगा, सेक एक्स है तो बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए, टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, सेक है तो सेक एक्स ही रहेगा। अब बोलोगे सर ये क्या मतलब है, आप बोल रहे हैं इस एक्सेस पे चेंज नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस एक्सेस पे चेंज ना होने का मतलब क्या है ये समझो। यदि आप जीरो में कुछ ऐड करो, जीरो में कुछ ऐड करो, चले आगे मिला रखा था तो साइन है तो साइन, तो अपनी कॉपी बनाओ जैसे बना रहा हूं मैं, आप दूसरे कॉपी में दूसरे पेज पे दूसरा फिगर बनाओ, पहले पेज पे ये फिगर बनाओ दूसरे पे दूसरा बनाओ, तो ये फिगर्स आप बनाते चलो अपनी कॉपी। जैसे अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं करने जा रहा हूँ, मैंने मिटा दिया, अब मेरे पास ये फिगर नहीं है, आपकी कॉपी में होना चाहिए, आपकी कॉपी में ये फिगर होना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान, अब मैंने बोला जीरो प्लस एक्स जीरो माइनस एक्स, कुछ लोग बोलेंगे क्या लिख रहे हैं सर जीरो प्लस एक्स जीरो माइनस एक्स, जीरो ऐड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, जीरो से सब्ट्रैक्ट में कोई फर्क पड़ेगा। तो बेटा आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि यदि आप प्लस एक्स इसमें यदि एक्स जोड़ते हो तो कहां आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहां आएगा ये ध्यान से बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि सब्ट्रैक्ट करते हो तो कहां आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब यदि जीरो में एक्स ऐड किया तो कहां जाएगा, समझो इसको, ये जीरो लाइन है, इसमें एक्स ऐड किया तो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो कहां आएगा बेटा, नीचे की तरफ। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना समझ में आया, अब मैं जीरो की बात कर रहा हूं, जीरो में यदि एक्स ऐड किया तो ऊपर जाओगे, जीरो से एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे जाओगे, बिल्कुल यही दिमाग में रखो, जीरो में एक्स है तो फर्स्ट में जाओगे, सेकंड में फोर्थ में। अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा साइन, देखो इसी चीज को, साइन जीरो प्लस एक्स ये क्या होगा बेटा, समझना इसी को, साइन एक्स, साइन जीरो माइनस एक्स क्या होगा, देखो हमने साइन एक्स जीरो प्लस एक्स किसमें आया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फिर आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल आर पॉजिटिव, यहां पे क्या होते हैं आल पॉजिटिव, तो मतलब यदि आपने जीरो प्लस एक्स किया तो फर्स्ट में आ गए, अब फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं साइन एक्स। दूसरा साइन जीरो माइनस एक्स, साइन जीरो माइनस एक्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा, साइन जीरो माइनस एक्स इसका क्या मतलब हुआ, अब आप समझो जीरो से हमने एक्स सब्ट्रैक्ट किया, जीरो से हमने एक्स सब्ट्रैक्ट किया, जीरो से हमने एक्स सब्ट्रैक्ट किया, तब ये कहां आ गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, कहां आ गया बेटा,
फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो यहां पे फोर्थ में क्या होता था याद करो, फोर्थ में क्या होता था बेटा, फोर्थ में क्या होता था याद करो, फोर्थ में होता था केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे बेटा निगेटिव। ये क्या बेटा साइन, तो साइन क्या होगा निगेटिव, तो पहले क्या आ जाएगा माइनस और जीरो क्या हो जाएगा खत्म, माइनस साइन एक्स। ये समझ में आया सबसे कि नहीं आया, बिल्कुल दिमाग में सोचो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये सोचना आपका काम है। यदि आप सोचोगे नहीं तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा इसको, क्योंकि यदि आप समझोगे कि मुझे समझ में आया कि नहीं, जीरो प्लस एक्स फर्स्ट में गए और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हो गए साइन पॉजिटिव साइन एक्स, जीरो माइनस एक्स फोर्थ में आ गए, फोर्थ में क्या हुआ बेटा साइन जीरो माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब निगेटिव माइनस साइन एक्स निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हुआ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है केवल कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, ना तो ये कॉस है ना तो ये साइन है। देखो बेटा अब देखो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट, इस एक्सेस पे कोई चेंज हुआ साइन जीरो प्लस एक्स पे साइन है, साइन जीरो माइनस एक्स पे क्या है साइन है। इसी तरह से मैं बोलूं टेन जीरो प्लस एक्स क्या होगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, टेन एक्स टेन माइनस जीरो माइनस एक्स क्या होगा बेटा फटाफट देखो tan 0 माइनस x क्या होगा माइनस tan x, क्यों क्योंकि फोर्थ में निगेटिव हो गए केवल cos और sec पॉजिटिव होगा। फिर एक और देख लो cos 0 प्लस x क्या होगा cos x, cos 0 माइनस x क्या होगा बेटा माइनस, माइनस आएगा नहीं, क्या होगा cos और sec पॉजिटिव होगा, देखो फर्स्ट में पॉजिटिव फोर्थ में पॉजिटिव, तो मींस कॉस एक्स। कि ये चीज आपको अपने दिमाग में फीड कर लेनी है, इस फार्मूले को रटना नहीं है जो आप रटने के लिए पढ़ते हो, बहुत लोग पढ़ते हैं रटने के लिए। और बेटा एक और देख लो कॉसेक, कॉसेक जीरो प्लस एक्स क्या होगा बेटा फर्स्ट में कॉसेक एक्स, कॉसेक जीरो माइनस एक्स कॉसेक जीरो माइनस एक्स क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक, कॉसेक फर्स्ट में पॉजिटिव फोर्थ में नेगेटिव सेक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपको समझना था और इसको आप रखते हो। अभी आप देखोगे बुक्स पे आपको लिखा होगा फॉर्मूले लिखे होंगे, बेटा रखना नहीं हमें, हमें रखना नहीं समझना है, फर्स्ट में आगे पॉजिटिव फोर्थ में ओनली कॉस ऑफ सेक ऑफ पॉजिटिव, only cos and sec का पॉजिटिव, cos पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कहानी खत्म। ये हमें करना होता है बेटा। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हो फटाफट ये देखो, अब 0 + x को लिखता है क्या बात है, कोई 0 लिखता है क्या है? तो बोलोगे सर 0 को लिखता है, आप ऐसे बोलते हो ना sin माइनस एक्स क्या होता है sin माइनस थीटा, पढ़ा है क्लास में पढ़ा है 10th में sin माइनस थीटा क्या पढ़ा था माइनस sin थीटा, कैसे आया समझ में आया, आज का डेरिवेशन हो गया tan माइनस थीटा क्या पढ़ा था tan माइनस x क्या होगा माइनस tan x। देखो बेटा सब कुछ आपके सामने आ गया, 10th में ये चीज नहीं आई होगी बट अब आ गया। उसी तरह से cosec माइनस x क्या होगा माइनस cosec x, cot माइनस x क्या होगा बेटा माइनस cot x, एंड cos माइनस थीटा क्या पढ़े थे cos थीटा आ गया। ये काम हमने किया था कभी तक किया होगा, ये कैसे आया ये cos, जितना समझ आया बेटा। तो ये रहा जीरो के लिए, सेम प्रोसेस 180 के लिए होगा, सेम प्रोसेस 180 के लिए होगा। तो हम आते हैं डिस्प्ले 180 पे, भी पता है कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन साइन रहेगा cos cos रहेगा tan tan रहेगा cot cot रहेगा cosec cosec रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब बात आती है फिर से वही, क्या बात आती है बेटा, यदि 180 को हम लिखे रेडियन में तो क्या होगा बेटा पाई,
ये पाई एक्सिस है, यदि ये पाई है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स कहां जाएगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड पाई प्लस एक्स कहां जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड में जाएगा, पाई माइनस एक्स, और पाई प्लस एक्स कहां जाएगा थर्ड में, ये समझना है आपको। अब मैंने क्या बोला, साइन साइन रहेगा, क्या रहेगा साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस लाइन में चेंज नहीं होगा, इस लाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 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 चेंज नहीं होगा, केवल साइन चेंज होंगे, केवल साइन चेंज होंगे, इस लाइन में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, इस लाइन में केवल साइन चेंज होंगे, ये दिमाग में बैठा होगा। अब मैंने यही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, पाई माइनस एक्स कहां आएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां आएगा सबको क्लियर है, पाई प्लस एक्स कहां आएगा थर्ड में आएगा, ये सबको क्लियर है, पाई माइनस एक्स सेकंड में आएगा, पाई प्लस एक्स थर्ड में आएगा। अब मैंने बोला बेटा ये बताओ साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा, सबसे पहले साइन चेंज होगा साइन आएगा, पाई माइनस एक्स किस में जाएगा बेटा सेकंड में, सेकंड में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा बेटा साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स पॉजिटिव, ये पाई अपने आप गायब हो रहा है, इसको तो आपको सोचना ही नहीं, यदि हमने पाई माइनस एक्स की था साइन एक्स आया, क्यों आया साइन एक्स, क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकंड में जाएगा और सेकंड में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसी तरह से हमने क्या लिखा बेटा साइन पाई प्लस एक्स, नोट करते चलो साइन पाई प्लस एक्स इसमें आएगा थर्ड में, और थर्ड में साइन चेंज होगा क्या नहीं, थर्ड में साइन चेंज होगा क्या नहीं, थर्ड में साइन चेंज होगा क्या नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा साइन एक्स। अब बोलो थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है निगेटिव, थर्ड में साइन पॉजिटिव होगा निगेटिव, दिमाग बैठाओ साइन, थर्ड में साइन क्या होता था निगेटिव, यहां पर माइनस लगा दो बस माइनस साइन एक्स, समझ में आया, ये समझ में आया है, यदि ये समझ में आ गया समझ लो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, क्योंकि आगे हम यही सब करने वाले हैं, ये फार्मूले लिखे हैं आपकी बुक में, चाहे आप रटो बैठ के, चाहे आप समझो, रटो या समझो दोनों में से एक कारण है, रटने का काम विफल होता है वो मैं जानता हूं, कितना रटोगे आप। दूसरा किसी ने बोला सर ये बताइए कॉस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स कहां जाएगा सेकंड में, 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 क्या होगा बेटा कॉस क्या होता है निगेटिव, कॉस क्या होता है निगेटिव, क्यों साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, क्या होगा निगेटिव माइनस कॉस एक्स, फिर बोलते कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स क्या होगा बेटा कॉस पाई प्लस एक्स थर्ड में आएगा, इसमें आएगा थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में कॉस ऑफ सेक क्या होता है बेटा कॉस ऑफ सेक क्या होता है निगेटिव, कॉस ऑफ सेक क्या होता है निगेटिव मिस माइनस कॉस एक्स, क्यों कॉस ही हो रहा है, इस एक्सिस पे कुछ चेंज नहीं होगा, जब जीरो होगा पाई होगा तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना बैठा ये हो गया। अब आपसे कोई पूछ ले ये बताइए सर tan पाई माइनस एक्स क्या होगा, tan पाई माइनस एक्स क्या होगा, तो सेकंड में जाओगे सेकंड में tan क्या होता है निगेटिव, tan पाई प्लस एक्स क्या होगा इसमें आओगे थर्ड में, थर्ड में क्या होगा पॉजिटिव, tan x क्या होगा पॉजिटिव, तो बेटा ये समझ में आना चाहिए नहीं तो फॉर्मूले रट रट के दम निकल जाएगा आपका, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होगी लाइफ आपकी, तो मींस समझ में आ गया ये सारी चीजें। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डिग्री में नहीं कर सकते बेटा, तो डिग्री में भी कर सकते हो सेम चीज, सेम चीज बेटा आप डिग्री रेडियन में कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा डिग्री और रेडियन में कर सकते हो आप, सेम चीज कर सकते हो आप डिग्री रेडियन, यदि आप ध्यान से देखो तो आपने ये पढ़ा है कहीं ना कहीं साइन माइनस थीटा नहीं पढ़ा माइनस साइन, यही चीज तो मैं यहां बोल रहा हूं साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा हूं माइनस साइन एक्स,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। आपने ये भी देखा साइन पाई माइनस एक्स, क्या बोला बेटा? साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड में साइन एक्स, इसको डिग्री में नहीं लिख सकते, लिख सकते हो बट दोनों डिग्री में होना चाहिए, 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री क्या होगा? साइन थीटा डिग्री। यही चीज है बेटा, बोथ हाथ से। तो डिग्री में करना होगा तो पाई को भी डिग्री में करना, एक्स को भी डिग्री में करना, वही चीज है साइन। तो ये चीज थी। अभी तक आपने क्या सीखा? यदि जीरो में कुछ ऐड करो सबट्रैक्ट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। पाई में कुछ ऐड करो सबट्रैक्ट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में कितने फॉर्मूले लिखे हैं मैं सारे फॉर्मूले एक बार समराइज कर दूं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मींस मेरा काम है आपको समझाना, नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो फिर से रिवाइज करके देखो, पॉज करके देखो, उसके बाद भी आपके पास एक मौका गूगल मीट, हम गूगल मीट भी क्लास आपके लेंगे, तो ये सारी चीज फिर से डिस्कस करेंगे। तो पहले तो काम करो गूगल मीट की क्लास मिस ना हो। गूगल मीट की क्लास यदि आपकी मिस हो गई, यूट्यूब लेक्चर देखो, यूट्यूब लेक्चर देखा डाउट हुआ तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप या किसी के थ्रू ऐड, क्लियर? ये ध्यान रखना, लेकिन कोशिश करो गूगल मीट की क्लास मिस ना हो, क्योंकि यदि वो मिस करोगे तो फिर आपका ऑनलाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे जो चीजें डिस्कस होंगी बिल्कुल लाइक एज ए लाइव क्लास। ओके, तो आगे चलते हैं। तो मैं समराइज करके फटाफट फॉर्मूले आपके, पहला फॉर्मूला आप ध्यान रखना साइन माइनस एक्स क्या होगा बेटा? साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, मुझे कैसे आ रहा है? माइनस एक्स करोगे फोर्थ में आओगे, फोर्थ में क्या होगा? साइन निगेटिव होगा, केवल कॉस पॉजिटिव होगा। कॉस माइनस एक्स फोर्थ में आओगे, फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। देखो ऐसे आपको भी याद होना चाहिए, टेन माइनस एक्स क्या होगा? टेन माइनस एक्स क्या होगा? टेन माइनस एक्स क्या होगा? क्या होगा नहीं बताओगे? माइनस टेन एक्स। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ क्या होगा बेटा? कॉसेक माइनस एक्स। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, समझाया नहीं है ज्यादा जितना हमने टाइम लिया है। कॉसेक माइनस एक्स क्या होगा बेटा? माइनस कॉसेक एक्स। फिफ्थ sec माइनस एक्स क्या होगा बेटा? sec x। क्यों? क्योंकि फोर्थ में cos, cos और sec पॉजिटिव, ये दोनों केवल पॉजिटिव होंगे बस। कितना अच्छा है। सिक्स क्या बचा बेटा? cot माइनस एक्स माइनस cot x। अब कुछ लोग ऐसे रख लेंगे सर कोई माइनस सीधा लिखेगा, दो पॉजिटिव का बस cos और sec, ये आपका एक फॉर्मूला टाइप है। सेकेंड ये जीरो माइनस एक्स करते हैं इसी तरीके से, पहला होगा साइन पाई माइनस एक्स, ध्यान देना साइन पाई माइनस एक्स, पाई लाइन ये माइनस एक्स सेकेंड, माइनस एक्स सेकेंड, सेकेंड में क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन एक्स सेकेंड, साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स थर्ड, थर्ड में साइन क्या होगा? निगेटिव। तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा बेटा? माइनस साइन एक्स। बेटा ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना ढंग से, क्योंकि यदि ये नहीं करोगे तो फिर आगे बहुत दिक्कत आएगी। फिर आगे क्या बेटा? कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, cos pi माइनस एक्स सेकेंड, सेकेंड में cos क्या होता है? निगेटिव। फोर्थ cos pi प्लस एक्स, cos pi प्लस एक्स, cos pi प्लस एक्स थर्ड, थर्ड में cos क्या होता है? निगेटिव। देखो कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, यदि आप सोचते हो कि मैं याद रखना है तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अलग से। टेन पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, सेकेंड में टेन एक्स निगेटिव।
tan pi plus x, tan pi plus x, tan x. क्यों? क्योंकि थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है. क्लियर? tan एंड cot आर पॉजिटिव. तो बेटा ये फॉर्मूले आपकी बुक्स में लिखे हैं. हमने आज क्या पढ़ा बेटा, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, समराइज कर दे एक बार. हमने ये पढ़ा कि जीरो से पाई की लाइन पे, जीरो से पाई की लाइन पे, जीरो से पाई की लाइन पे साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे. दूसरा चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा. तो बेटा आज रिवाइज करना इसको, नेक्स्ट कल में हम इस पे क्या करेंगे, पहले तो हम ये 90 to 270 कवर करेंगे, इस एक्सेस को कवर करेंगे. ये एक्सेस अभी कवर नहीं हुआ, इसको हम कवर करेंगे. आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके बेटा, जय नारायण वंस अगेन ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड अवॉइड गोइंग आउटसाइड योर होम. ओके, थैंक यू. जय नारायण.